इस संबंध में मेरा ये कहना है कि प्रकरण का पंजीकरण मेरे वरिष्ठ अधिकारी श्री राजेंद्र मिश्रा द्वारा मेरे ज्वाइन करने से पहले किया गया था। इस प्रकार संपूर्ण रूप से उसके लिए वे उत्तरदायी हैं जिन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है और इस आरोप को मेरे ऊपर जबरदस्ती गढ़ा जा रहा है। जहाँ तक तथाकथित भ्रष्टाचार की बात है, उसके संबंध में विवेचक दीपक ठाकुर और अन्य पे लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज है जिसमें अभी तक पुलिस चालान नहीं लगा पाई है। शिकायत दीपक ठाकुर और अन्य के विरुद्ध थी। उस समय तथाकथित भ्रष्टाचार के दौरान मैं प्रदेश से बाहर था और पर्यवेक्षण का दायित्व मेरे से वरिष्ठ अधिकारियों पर था जिनको भी बचाने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद मैं चुनाव ड्यूटी हेतु त्रिपुरा चला गया था और जो शिकायतें प्राप्त हुई थी उनकी जांच के लिए भी मेरे वरिष्ठ अधिकारी उत्तरदायी हैं जिन्होंने शिकायत को प्राथमिक दृष्टि से प्रथम दृष्टया असिद्ध पाते हुए प्रतिवेदन भेज दिया गया था। उस समय भी मैं पर्यवेक्षण के रूप में मौजूद नहीं था। चुनाव ड्यूटी से आने के बाद मेरे द्वारा विस्तृत जांच कर जो प्रतिवेदन भेजा गया था उसको पुलिस विभाग की सभी शाखाओं द्वारा मान्य किया गया था। अतः पर्यवेक्षण का कोई दायित्व त्रुटि मेरे ऊपर किसी भी रूप से निरूपित नहीं होती है। इसके उपरांत भी जब याचिकाकर्ता द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका में मुझे रिस्पोंडेंट बनाया गया तो मेरे द्वारा उसका समग्र रूप से जवाब दवा पेश किया गया था और यह निवेदन किया गया था कि मेरा नाम विलोपित किया जाए क्योंकि मेरे संबंध में उसमें किसी प्रकार की कोई टिप नहीं थी और किसी भी पक्ष द्वारा मेरे जवाब दावे का विरोध नहीं किया गया था। अतः जो ये जो भी मेरे दुष्प्रेरण और दुराग्रह से मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है और वरिष्ठ अधिकारियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है।